सोमवार को अपनी आगामी फिल्म सलाम बैंकी की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। निर्देशक रेवती और टीम संग उन्होंने फोटो शेयर किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए काजोल ने लिखा, आज हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कहानी है जिसे लोगों को बताना चाहिए, एक रास्ता जिसे लेना था और एक जीवन जिसे मनाया जाना था। हम इस अविश्वसनीय सच्ची कहानी को आपके साथ साझा करने के लिए बेहद एक्साइटेड है। हैशटैग सलाम वैंकी। सलाम वैंकी की कहानी एक माँ के संघर्ष को उजागर करती है जिसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इससे पहले फिल्म का शीर्षक द लास्ट हुर्रे रखा गया था। रेवती ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कहा था कि द लास्ट हुर्रे में सुजाता की यात्रा मेरे दिल के बेहद करीब है। ये न केवल आप सबको कनेक्ट करेगी बल्कि प्रेरणा भी देगी। जब सूरज, श्रद्धा और मैं इस फिल्म पर चर्चा कर रहे थे, काजोल पहली शख्स थी जो हमारे दिमाग में आई। सलाम वैंकी को संयुक्त रूप से सूरज सिंह, श्रद्धा अग्रवाल और वर्षा कुकरेजा द्वारा निर्मित किया गया है। वही दोस्तों, आपको बता दें काजोल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। काजोल और अजय देवगन की कपल को इंडस्ट्री का पावर कपल कहा जाता है। इनकी शादी की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दरअसल अजय देवगन और काजोल ने जब शादी की थी तो मीडिया को शादी का गलत वेन्यू दिखा दिया था। उन्हें बताया गया था कि वेन्यू ये है, लेकिन वेन्यू तो कुछ और ही था। दोनों ने अजय देवगन के पुराने घर की छत पर शादी कर ली। अजय देवगन ने इंटरव्यू में बताया था कि हमने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, हम दोस्त बने और इसके बाद हमने महसूस किया कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दिन हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शादी पर बहुत हल्ला हो, इसीलिए मैं बेडरूम से बाहर निकला, टेरेस पर शादी की और वापस अपने बेडरूम में चला गया। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कपल है और इंडस्ट्री में इसी कपल को कहा जाता है कि ये लास्ट लॉन्ग है, यानी कि लव फॉर एवर है इनका और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करता है। तो दोस्तों कितना पसंद आता है आपको ये कपल, कितना इंतज़ार है काजोल की अगली फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।